नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंबा एप्पल डायरी में। तो आज हम आपको बताएंगे कि पौधे में, सेब के पौधे में किस तरह से हम टहनियाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए आप, हमारा ये 2 साल का प्लांट है तो इसमें फैदर बहुत ही कम निकल रहे हैं। तो इसके लिए अब हम चाहते हैं कि अच्छे से फैदर निकलें, तो उसके लिए हम नोचिंग मेथड अपनाएंगे। तो जैसे इसके लिए हमें ऐसा नाइफ़ चाहिए, जैसे कि आप हेक्सा ब्लेड या फिर इस तरह का नाइफ़ हो अगर आपके पास, तो उससे नोचिंग कर सकते हैं। तो नोचिंग इस तरह से करें कि जैसे ये आपके पौधे की आँख है, तो उसके ऊपर इस तरह से नोच करें। इस नोचिंग का फ़ायदा ये होगा कि नीचे से जो सैब आएगा यहाँ पर आँख पर दबाव डालेगा और ये स्प्राउट होके बाहर की तरफ आएगा। जैसे हम यहाँ पर टहनी चाहते हैं, मनचाही टहनी, और यहाँ पे इस तरह से हम घाव लगाएंगे। पूरे प्लांट में आप देखिए आपको कहाँ फैदर चाहिए, उस प्रकार से आप घाव मारिए। ज़्यादा बाहरी घाव ना हो, ये इसकी हड्डी जैसी होती है, यहाँ तक पहुँच जाए, जिससे आपका नोचिंग अच्छा सक्सेस होगा। इस पौधे में भी नोच किया है, वैसे तो कुछ फैदर अपनी मर्जी से आए हैं पर कुछ हमने अपनी मनचाही जगह से निकाले हैं। तो देखिए फैदर, पूरे ही फैदर प्लांट में। ये देखिए कैनोपी पूरी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।